तो मुझसे पूछो प्यार में गिरना क्या होता है। भाई साहब एक पार्ट कम थे जो दोबारा इतने ताबड़तोड़ मूवी लेकर के आ गए हो। तो खैर हमारे लिए तो अच्छा है क्योंकि कल आदि पुरुष देखने के बाद दिमाग डिस्टर्ब था भाई। तो एक्सट्रैक्शन का पार्ट टू आ चुका है और पहला पार्ट जितना जबरदस्त था उससे ये मूवी ज्यादा जबरदस्त। तो चलो बात करते हैं ये मूवी है कैसी, कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है। तो क्रिम्स हेम्सवर्थ का नाम यहाँ पर टाइलर रखा गया है जो कि पहले पार्ट में हमने देखा था। तो जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि क्रिस हेम्सवर्थ के गले में गोली लगने की वजह से वो नदी में गिरता है और नदी में गिरने के बाद कुछ ऐसे शॉट्स हमें दिखाए गए थे जिसमें हमें ये लग रहा था कि अगला मूवी आने वाला है और फाइनली अगला मूवी आ चुका है जिसे मैंने आज देखा और आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ। तो कैसी है मूवी, आपको मूवी में टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आइए सारा बात करते हैं। तो वीडियो मैं लास्ट तक बने रहूं। तो इस बार की कहानी भी पहले मूवी जैसी ही है पर इस बार मिशन थोड़ा बड़ा है जिसमें टेलर को एक फैमिली को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और वो भी एक ऐसे दुश्मन से जो पूरे कंट्री के ऊपर रूल कर रहा है। आगे थोड़ा सा स्पॉइलर रहेगा, ज्यादा स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा। तो भाई यहां पर बात थोड़ी सीरियस हो जाती है क्योंकि पहले मूवी में एक आदमी को बचाना था और इस मूवी में पूरी फैमिली को बचाना है और वो भी उससे बचाना है जो उसके खुद के हस्बैंड है जो कि पूरी कंट्री पे रूल कर रहा है और वो उससे नहीं बचाएगा तो वो उसे मार देगा और वो भी है कौन, उसके खुद के पत्नी की बहन की फैमिली को पूरा बचाना है और उसके साथ दो बच्चे और वो उसे बचा पाता है कि नहीं ये तुम्हें मूवी देखने पर ही पता चलेगा। तुमको जानना है तो मूवी एक बार जरूर चेकआउट करो, मूवी तुम्हें बोर होने नहीं देगी। थोड़ा नेगेटिव और थोड़ा पॉजिटिव का बात करते हैं तो मूवी के अंदर कमाल का एक्शन सीन है भाई, चुम्मेश्वरी। इस मूवी में एक ऐसा सीन है जो हमें पहले बता दिया गया था कि 21 मिनट का वन शॉट सीन होने वाला है जिसे तुम अगर थोड़ा सा भी मिस करते हो तो वो तुम्हें रिवर्स करके देखना पड़ेगा नहीं तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। इस सीन के अंदर इतने ज्यादा उथल पुथल है कि तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा कि अब क्या होगा। तुम कितनों भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे वो हो नहीं पाएगा। तो मूवी बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, ये तुम्हें 2 घंटा पूरा मजा देने वाली है। पहले ये लोग पैदल भाग रहे होते हैं, फिर कार में जाते हैं, फिर ट्रेन आता है, फिर ट्रेन से हेलीकॉप्टर, वो शॉट देखने का जो मजा है ना भाई, अलग ही एक्सपीरियंस है। जरूर जाकर के मूवी देखना, नेटफ्लिक्स पर मूवी आई हुई है और दूसरा भी तरीका है देखने के लिए। मूवी तुम्हें इतना इंगेज करके रखेगी कि तुम चाह करके भी अपना ध्यान वहां से नहीं हटा सकते। लेकिन खैर वो सिर्फ 21 मिनट का है, लेकिन वही सीन जो है भाई दमदार सीन है। क्रिस हेम्सवर्थ के जितने भी फैन है उनके लिए ये मूवी तो पार्टी होने वाली है भाई। अगला जो पॉजिटिव है इस मूवी के लिए, जो टाइलर नाम का कैरेक्टर होता है उससे हमें पर्सनल फील कराने की कोशिश की जाती है क्योंकि पहला पार्ट में क्रिस हेम्सवर्थ हमें ज्यादा बात करते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन इस मूवी में टाइलर के जिंदगी के बारे में हमें ज्यादा जानने को मिलता है कि उसकी एक वाइफ भी थी जो कि उसने अपने टीम मेंबर तक को नहीं बताया था, जो कि इस मूवी में मुझे पर्सनली देखने में काफी अच्छा लगा। थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है मूवी। अगला पॉजिटिव मुझे इस मूवी में ये लगा, निक खान नाम करके जो लड़की है उसके कैरेक्टर से बिल्कुल भी हमें फर्स्ट पार्ट में कनेक्ट नहीं किया गया था, इस मूवी में उसे स्क्रीन टाइम भी कुछ ज्यादा दिया गया है, इसलिए ये पॉइंट भी मुझे काफी अच्छा लगा। और पहला पार्ट में उस लड़की का कुछ काबिलियत का भी पता नहीं चलता और ये मूवी में तीनों ने आग लगा के रखी। वो लड़की को अच्छा रन टाइम भी दिया गया है, अच्छा एक्शन सीन भी दिया गया है और अच्छा स्क्रीन प्ले भी दिया गया है और वो लड़की ट्रायलर से कनेक्शन बनाने की भी कोशिश करती है जो कि हमें मूवी में काफी अच्छा लगा भाई। ट्रायलर की भी कोई है जिंदगी में जो उसकी परवाह करती है। ये सारे जितने थे सारे पॉजिटिव पॉइंट थे, एक्शन दमदार था, रन टाइम अच्छा खासा था, ये था सारा पॉजिटिव पॉइंट। अब इसके एक नेगेटिव पॉइंट को बात करते हैं जो कि हर मूवी में एक नेगेटिव पॉइंट तो रहते ही है, बिना नेगेटिव की मूवी बैलेंस नहीं हो पाती, जो कि इस मूवी में है। तुम्हें ये मूवी इमोशनली कनेक्ट नहीं करेगी। इमोशनल सीन तो है, इमोशन को इतना स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं जितना एक्शन को मिला है, इसलिए इमोशन से तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे अगर तुम देखना चाहते हो तो। लेकिन हाँ मूवी जबरदस्त है, तुम्हें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये मूवी जरूर जाकर के देखना और मूवी तो भाई मिल जाएगा। भले मूवी नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है लेकिन तुम्हें खोजने से मूवी मिल जाएगा। एक्शन फैन के लिए एक नंबर मूवी है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये मूवी जरूर जाकर के चेकआउट करना। और तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अडल्ट सीन है या नहीं है, तो भाई बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, अडल्ट सीन नहीं है, तुम फैमिली के साथ भी मूवी देख सकते हो। हाँ थोड़ा सा एक ही गाली है वो भी मूवी के एकदम लास्ट में है और वो उतना सा चलता है भाई। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी तुम जरूर जाकर के चेकआउट करना, मूवी जरूर मजा देने वाली है तुमको। चलो मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।